नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कुछ और ओवर द निधन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, जितना ही मैं सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर पढ़ती हूँ उतना ही मुझे गुस्सा आता है। और ये मेरा ये जो एक डाउट है वो शायद रिकन्फर्म होता है कि सुशांत सिंह राजपूत का शायद खून किया गया है। इट वॉज नॉट अ सुसाइड, इट वॉज अ मर्डर। सुशांत सिंह राजपूत के जो साइकाइट्रिस्ट थे उनका नाम है करसी चावड़ा। डॉक्टर करसी चावड़ा को मैं जानती हूं क्योंकि इनके पास मुझे दिवाकर बैनर्जी ने भी भेजा था। दिवाकर बैनर्जी मेरे दोस्त रह चुके हैं जिन्होंने एक दिन अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास किया। वो दिवाकर बैनर्जी जिनकी फिल्म ब्योमकेश बक्सी में सुशांत सिंह ने काम किया, उन्होंने सुशांत को भी डॉक्टर करसी चावड़ा के पास भेजा क्योंकि डॉक्टर करसी चावड़ा के रिपोर्ट्स हैं, टॉक्स हैं इंटरनेट पर जहां पर वो बातचीत कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रीट किया फॉर मेंटल इलनेस एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। मगर करसी चावड़ा का स्पेशलिटी है कि जो भी उनके पास जाता है विद डिप्रेशन वो उनको बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज कर देते हैं। तो मैं समझती हूं कि ये एक साजिश है क्योंकि करसी चावड़ा इज फ्रॉम द सेम एलुमनाई एज महेश भट्ट साहब इज, एंड मे बी दिस इज अ साजिश टू काइंड ऑफ डिक्लेयर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एज अ मर्डर, जबकि ये एक डिक्लेयर इट एज अ सुसाइड जबकि ये एक मर्डर हो सकती है क्योंकि महेश भट्ट साहब ने भी अपनी कोई इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत विल कमिट सुसाइड। अगर महेश भट्ट साहब इतने अंतर्यामी होते तो उन्हें क्यों नहीं पता था कि उनका बेटा राहुल भट्ट वुड बिकम फ्रेंड्स विद हेडली एंड हेडली वुड बी इन्वॉल्व्ड इन 2611 मुंबई अटैक्स एंड मुंबई ब्लास्ट। मगर महेश भट्ट साहब एक अंतर्यामी नहीं है, वो दूसरी बात है कि उन्हें फ्लर्ट करना शायद अच्छा लगता है या उनको एक्चुअली फिजिकल प्रॉक्सिमिटी रखना विद एक्ट्रेसेस एंड डॉटर्स अच्छा लगता है। ये उनकी पर्सनल चॉइस है, उनकी पर्सनल एरिया है। मगर कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और उनकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा खलती है अभी देखने को जब सुशांत सिंह राजपूत के की मौत के बारे में हम बातचीत करते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती वॉज सपोजिटली द रूमर्ड एक्स गर्लफ्रेंड और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। अब रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि वो मेंटली डिप्रेस थे और उनके डिप्रेशन को डॉक्टर करसी चावड़ा ट्रीट कर रहे थे, मगर डॉक्टर करसी चावड़ा का ट्रैक रिकॉर्ड मैं जानती हूं, वो एक नकली साइकाइट्रिस्ट है। वो सभी एक्टर्स को ऑब्वियसली बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोस करते हैं, उनको दवाइयों पर डालते हैं और फिर उनके मनोबल के साथ ज्यादा खेलते हैं, क्योंकि जब आपको बार बार कोई बोलता है कि आप डिप्रेस्ड हो, ये हो, वो हो, तो आप और ज्यादा उस शेल में घुसते चले जाते हैं। रही बात अबाउट What actually happened with सुशांत सिंह राजपूत, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर उनकी बहन दिखाई दी जाती है, उनकी बॉडी को कवर करा हुआ दिखाया दिया जाता है एंड दिखाया दिया जाता है कि कैसे एक रोप लटकी हुई है, रोप नहीं एक चुन्नी लटकी हुई है जिससे शायद उन्होंने अपने गले को बांध कर अपने आप को हैंग किया था। मगर सुशांत सिंह राजपूत जो अपनी बॉडी को खुद लिफ्ट कर सकते थे वो एक रोप से एक दुपट्टे से कैसे अपने आप को हैंग कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही उनको दुख होगा, जैसे ही उनको प्रेशर फील होगा, वो ऑब्वियसली अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे टू गेट आउट फ्रॉम दैट पेन दैट ही वुड फील दैट वुड कम टू हिम ड्यू टू हैंगिंग। मगर जो सुशांत सिंह राजपूत की फोटोग्राफ्स वायरल की गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उन फोटोग्राफ्स के भी अंदर उनकी आंख, नाक और मुंह का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए ऑफ अ पर्सन हु हैज कमिटेड हैंगिंग, क्योंकि जिस हिसाब से उनके गले पे निशान है, उनकी बॉडी पे निशान है, लगता है जैसे उनको एक टाइप रोप से उनका गला घोट दिया गया हो और बाद में उनको दुपट्टे से लटका के पंखे से लटकाने का ड्रामा किया गया हो, क्योंकि जब पुलिस आई तब बॉडी ऑलरेडी शायद नीचे थी, बेड के ऊपर थी, इट वॉज नॉट हैंगिंग फ्रॉम द पंखा। सो कहीं ना कहीं सम पीपल आर इन्वॉल्व इन किलिंग हिम, बिकॉज जो आदमी फांसी लेने वाला होता है वो एक दिन पहले अपने घर में पार्टी नहीं रखता और फांसी लेने से आधे घंटे पहले पोमोग्रेनेट जूस नहीं पीता। सुशांत सिंह राजपूत एक जर्नल रखते थे, सो आई रियली होप दैट वो जर्नल इज मेड पब्लिक बिकॉज वहां पर उनके थॉट्स के बारे में हम सबको पता चलेगा। वो कंपनियां चला रहे थे, जो कंपनियां बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड वर्क कर रही थी और उनकी फिल्म भी फ्लोर पे शायद जा रही थी विद रूमी जाफरी एंड विद हिज फ्रेंड कॉल्ड एज संदीप सिंह, ऐसा मैंने पढ़ा है। नाउ संदीप सिंह सेड दैट अंकिता लोखंडे वॉज रियली वेरी डियर टू सुशांत सिंह राजपूत एंड शी वुड
वुड हैव प्रिवेंटेड दिस सुसाइड इफ दिस वॉज एक्चुअली अ सुसाइड. मगर अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की लव स्टोरी में कहा जाता है कि कोई उनकी पीआर इन्वॉल्व है, रोहिणी अय्यर, जिसके बारे में रंगोली चंदेल ने बातचीत करी है कि कैसे ये जो पीआर लोग होते हैं ये आपको कहते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि अंकिता लोखंडे उस समय मलाड में रहती थी एंड शी वॉज द नॉट सो फैशनेबल गर्लफ्रेंड ऑफ द सो कॉल्ड राइजिंग बॉलीवुड सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत. एंड सुशांत सिंह राजपूत को ब्रेन वॉश किया गया कि आपको हॉट एंड हैपनिंग एंड फैशनेबल मॉडल जैसी लड़कियों को डेट करना चाहिए. पुअर गाय, ही लेफ्ट ही एंड अंकिता लोखंडे ब्रोक अप. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन, बट दिस इज व्हाट रंगोली चंदेल इज सेइंग. एंड ही ब्रोक अप एंड ही स्टार्टेड लिविंग इन द सो कॉल्ड पॉश अपार्टमेंट इन बांद्रा विद हिज सो कॉल्ड नकली फ्रेंड्स. और वो नकली फ्रेंड्स को नहीं पता था कि ही वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड ही वुड कमिट सुसाइड. सो यहां पर ये जो चकाचौंध है बॉलीवुड की, उसके पीछे बहुत कुछ राज है. अब राज क्या है ये तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा, बट आई रियली होप दैट मुंबई पुलिस डज प्रॉपर इंक्वायरी ऑफ दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रेशर शुड नॉट बी फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड गैंग एंड द इंक्वायरी शुड नॉट बी सच कि आप कहो कि ये सुसाइड है, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है कि ये सुसाइड है. ये एक मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि एक दुपट्टे से एक आदमी जो इतना फिट है अपनी बॉडी को लिफ्ट कर सकता है, वो आदमी की डेथ नहीं हो सकती ड्यू टू हैंगिंग. समवेयर पीपल आर सेइंग लुकिंग एट द मार्क्स ऑन हिज नेक दैट इट इज अ टाइट रोप जिसे उसके गले पे बांध कर उसका गला घोटा गया है. द सर्वेंट्स नीड टू बी क्वेश्चन, द जर्नल नीड्स टू बी चेक्ड. एंड जो आदमी आधे घंटे पहले पोमोग्रेनेट जूस पीता है वो ऐसे अपने आप को हैंग कैसे कर सकता है, ये एक वैलिड क्वेश्चन है. द साइकाइट्रिस्ट एंगल इज वेरी शेडी, क्योंकि ये साइकाइट्रिस्ट ही शेडी है और इसके बारे में मैं पर्सनली वाउच कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसे मिल चुकी हूँ. सो बॉलीवुड के अंदर ये एक साजिश हो सकती है, क्योंकि महेश भट्ट साहब ने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले कहा था कि सुशांत सिंह विल कमिट सुसाइड. एंड जिस तरह से एक प्रोग्राम किया गया उसके ब्रेन को, या बताने का प्रयास किया गया कि ये सुसाइड करेगा, या तो ये एक साजिश हो सकती है. एंड एक्चुअली इट माइट नॉट बी अ सुसाइड बट इट माइट बी अ मर्डर. सो व्हाट एवर सेड एंड डन, वी नीड टू कम टू द रियलिटी एंड द ट्रूथ रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत डेथ. मगर सोनम कपूर जैसे कर्मा की बात करने वाले नकली नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स हमें लेक्चर दे रहे हैं कि हमें सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के ऊपर बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस जैसे नकली वुडन एक्टर्स को ट्रोल कर रहे हैं जिनको ब्रेक मिलता है. तो वो एक्चुअली कह रही है कि उसको उसके कर्मा की वजह से इतना रिच खानदान मिला. तो मैं सोनम कपूर को इतना कहना चाहती हूँ, कर्मा की बात तो आप करो मत. कर्मा तो आपको अब समझ पड़ेगा जब आपकी एक भी पिक्चर थिएटर में रिलीज नहीं होगी. और आप जो आज ये कह रही हैं कि यू आर बॉर्न बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा, उसको मैं आपको उसको बता दूं कि सनातन धर्म में वर्णा सिस्टम वाज बेस्ड ऑन कर्मा ओनली, एंड कर्मा के अनुसार लोग अलग अलग वर्णा सिस्टम में पैदा होते थे. मगर आपने वर्णा सिस्टम को जातिवाद बना दिया और सनातन धर्म को रिग्रेसिव, जैसे आपने करवा चौथ को रिग्रेसिव बना दिया. तो आप जैसे लोग कर्मा की बात मत करो, क्योंकि एक्चुअल कर्मा तो यू आर गोइंग टू फेस नाउ. क्योंकि ये सोनम कपूर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मतलब उसको मेरे वीडियोस सुनाई दिए गए हैं, बिकॉज़ शी वांट्स टू एक्ट ऑल प्रिम एंड प्रॉपर एंड ऑब्वियसली इग्नोर माय एग्जिस्टेंस. सो लेट मी टेल यू दैट आई विल कंटिन्यू बिचिंग अबाउट यू बिकॉज आई रियली फाइंड यू सो फेक. क्योंकि आपको सुशांत सिंह राजपूत हॉट नहीं लगते थे करण जौहर के शो में, मगर जिस आदमी के साथ आपने शादी करी है वो आनंद आहूजा मुझे हॉट नहीं लगते, पूरे भारत को हॉट नहीं लगते. मगर अपेरेंटली शायद ही इज रिच, दैट इज वाई यू हैव मैरिड हिम. सो दैट इज योर कर्मा दैट यू प्रेफर्ड मनी ओवर गुड लुक्स, बट यू हैव अ राइट टू कॉल अ टैलेंटेड एक्टर नॉट सो गुड लुकिंग बिकॉज ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू प्ले योर सो कॉल्ड फेमिनिस्ट गेम. तो सोनम कपूर ऐसी बकवास कर रही है. साथ साथ में सलमान खान जी ने कहा है अपने फैंस को नॉट टू गेट अब्यूजिव विद सुशांत सिंह राजपूत फैंस. तो मैं सलमान खान जी को इतना ही कहना चाहती हूँ कि सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बट समवेयर यू वर इन्वॉल्व इन हिट एंड रन केस एंड वेदर यू वर ड्राइविंग द कार और नॉट ड्राइविंग द कार, आई एम नोबडी टू क्वेश्चन द जुडिशियरी बिकॉज आप उस केस में बरी हो चुके हैं. बट यू वर सिटिंग इन दैट कार एंड आपने बींग ह्यूमन का ये जो ड्रामा स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे लगता है ये एक ड्रामा है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आ रहे हैं थ्रू वेरियस पीपल दैट आपकी ये जो बींग ह्यूमन की कंपनी है ये 500 रुपए की चीज 5000 में बेचती है, एंड इट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी. नाउ द गवर्नमेंट एंड द पुलिस हैज टू डू एन इंक्वायरी ऑन दैट, बट व्हाटएवर सेड एंड डन, आपने ये बींग ह्यूमन की फाउंडेशन तभी स्टार्ट करी जब ये हिट एंड रन केस में आप सुर्खियों में आए, बिकॉज यू वॉन्टेड टू टेल पीपल दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बींग. सो जो आदमी अच्छा होता है वो जताता नहीं है कि वो अच्छा है, वो चुपचाप अपनी अच्छी
एक्ट्स करता है, मगर जो आदमी अच्छी एक्ट्स इसलिए करता है कि लोग उसे एक्चुअली अच्छा आदमी समझे, देन दैट इज अ पीआर एक्टिविटी. एंड सलमान खान जी, समवेयर यू हैव लेट मी डाउन बाय मेकिंग दैट स्टेटमेंट अबाउट सुशांत सिंह राजपूत इन 2016 दैट हु इज सुशांत सिंह राजपूत. दिस इज नॉट डन. आप किसी को ऐसे डिमीन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू हैव बीन अ सुपरस्टार इन द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स. तो ये है सुशांत सिंह राजपूत के पीछे की मौत के पीछे लोगों की हरकतें, फ्रॉम सोनम कपूर टू सलमान खान टू ऑल द पीपल हु आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ नाउ बी यू नो गुड पीपल बाय पोर्ट्रेइंग कि हम उसके अच्छे दोस्त थे या वी केयर्ड अबाउट हिम, बट एक्चुअली नोबडी केयर्ड अबाउट हिम, क्योंकि अगर दे केयर्ड अबाउट हिम दे वुड हैव एक्चुअली गिवन हिम वर्क, बट दे डिड नॉट. दे काइंड ऑफ सैबोटेज्ड हिज करियर, दे सैबोटेज्ड हिज फिल्म्स. उनकी 7 या 6 फिल्में छीनी गई 6 महीने के दायरे के अंदर. ये कहते हैं नॉट मी बट संजय निरुपम, अ कांग्रेस के नेता, हुम आई एम सपोज टू बिलीव बिकॉज समवेयर ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ हियर. सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज, बट समवेयर सुशांत सिंह राजपूत्स डेथ हैज शेकन अप एवरीबडी, पीपल लाइक मी हु नेवर इवन मेट हिम, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु मेट हिम एंड प्रोबेबली इग्नोर्ड हिम, एंड लॉट ऑफ पीपल हु डिड बैड टू हिम, बिकॉज सबकी कॉन्शियस कहीं ना कहीं जागी है बिकॉज ही डिडंट डिजर्व टू डाई एट द एज ऑफ 34. नमस्ते.